नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए प्यारे वीडियो में। आज मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे बगीचे में तुलसी का पौधा है, जो मैंने इसको कैसे तैयार किया है और किन किन तरीकों से तैयार किया है। बहुत सारे मेहनत लगती है इसको तैयार करने में। देख आप, ये पहले तुलसी का पौधा देखिए, आप कितना बेहतरीन तरीके से मैंने तैयार किया है इसको। ये लगभग 6 फिट का, हाँ 6 फिट का होगा ये पौधा, मुझसे भी हाइट में काफ़ी लंबा है ये पौधा। देख सकते हैं आप कितना प्यारा पौधा है ये पौधे के। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को। ये देखिए तुलसी का पौधा है। इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको नीचे से, जैसे पौधा छोटा होता है ना, उसको नीचे से ही ये जो अगल बगल की शाखाएं होती है ना, इनको निकालते रहना है सबसे पहला काम आपका। तुलसी का पौधा आप जब लगाएंगे तो सबसे पहले इसकी शाखाओं को निकालते रहना आपको बारी बारी से। ये तो बहुत बड़ा पौधा हो गया है मेरा, मैं बहुत पहले से ये काम कर रहा हूँ इसमें, जब मेरा पौधा से तैयार हो पाया है ये। बारी बारी से इसको पूरी, जितने भी ये शाखाएँ होती हैं अनवांटेड शाखाएँ, उनको निकाल देना है आपको चारों तरफ से। तुलसी वैसे गर्मियों में आप बो सकते हैं तुलसी के पौधे गर्मियों में। अब इनको क्या करना है, जैसे पौधा आपका बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे इनकी ये जो फूल आते हैं तुलसी में, तो उनको धीरे धीरे फूलों को निकालते रहना आपको। इनको फूल पकने नहीं देना ना बड़े होने देना इनके फूलों को। ये बहुत बहुत गौर से सुनिएगा ये बात को, जिनके फूल होते हैं जो तुलसी, उनको आपको प्रॉपर हटाना है पूरे फूल। ये फूल देख रहे हैं आप, इनको प्रॉपर निकाल देना है आपको। इससे क्या होगा कि तुलसी में ग्रोथ बढ़ती रहेगी और ये जैसे इसमें पौधे इसकी ये फूल होते हैं सूखने लगते हैं, तो ये पौधा भी उतना ग्रो नहीं करता और सूखने जैसा लगता है। ये शाखाएं सूखने लगती हैं, ऊपर से बढ़ता भी नहीं है। और जैसे इनके हम फूल काट देते हैं, इनमें नई शाखाएँ आ जाती हैं अगल बगल दोनों साइड से पौधे में, तो आगे बढ़ जाता है। इनको बराबर तरीके से निकालते रहना आपको, छोटे से ही। जैसे तुलसी का पौधा आप तैयार करेंगे तो उनमें जैसे ही फूल आएंगे उनको आपको निकालते ही रहना है। इस बात का आपको बिल्कुल खास ध्यान रखना है। और इनकी ब्रांच, जो जितनी में ब्रांच देख रहे हैं आप कैसे निकाल रहा हूँ उनकी ब्रांचें, ये ब्रांच निकाल देना। और जो वो लकड़ियाँ बन जाती हैं, जिनकी शाखाएँ जो लकड़ी बन जाती हैं सूख जाती हैं, उनको भी आपको प्रॉपर तरीके से निकाल देना है कटर से, ब्लेड चाकू, ब्लेड से नहीं हो पाएगा, चाकू से आपको निकाल सकते हैं आप अगर आपके पास कोई औजार नहीं है। बहुत ही प्यारा तुलसी का पौधा लगेगा। अभी ये मेरा पौधा 8 महीने का हो गया, ठीक है 8 महीने में देख सकते हैं आप, ये मुझसे भी हाइट में बड़ा है, लगभग 6 फिट का होगा ये पौधा पूरा, ठीक है देख सकते हैं आप। 6-8 महीने का पौधा इतना बड़ा हो गया है। इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है, इसकी जो मिट्टी होती है तो मिट्टी को भी हल्का बिल्कुल मुलायम रखना पड़ता है, हार्ड मिट्टी हो जाती है। लोग बाग दिन पानी डालते ही रहते हैं। हाँ ये बात होती है, जो यहाँ पे घरों पे लगती है तो उसमें पानी तो प्रॉपर डलता ही है, लेकिन उसमें खास बात ये है आप उसमें कोकोपीट डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कोकोपीट डाल रखा है ढेर सारा, जिसमें पौधे में हल्की रूखापन बना रहता है जड़ों में। ज़्यादा पानी रहता है तो फंगस वगैरह लग जाता है पौधों में, तो उस टाइप से ग्रोथ भी नहीं कर पाते, इसलिए आपको बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है इसमें। देख सकते हैं मेरे आसपास मैंने बहुत सारे पौधे देखे हैं, लेकिन ऐसा पौधा आपने भी नहीं देखा होगा। बहुत ही कम ही जगह पर होगा ये पौधा ऐसा तैयार होगा। जो ये इस साइड को जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेप था इसका, ये डाल सूख गई थी, इसको मैंने हटा दिया था। नहीं, ये बिल्कुल गोल आकार का पौधा बन गया था एक तरीके से बिल्कुल। ये 2 पौधे लगे हैं मेरे पास, दोनों ही बहुत ही तंदुरुस्त पौधे, स्वस्थ पौधे हैं। आप देख लीजिए साफी है जो मैंने इसको इसलिए डाल रहा हूँ, शाम को इसको डाल देते हैं, कोहरा आता है, कोहरे में तुलसी इस सर्दियों में ख़राब हो जाती है, इसलिए इसमें साफी वगैरह पन्नी वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं ऊपर कोहरे से बचाने के लिए। आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसको निकाल दूंगा अभी मैं, अभी तो धूप है। इसको ऐसे ही डाल देना, ढक देना है, सर्दियों में जैसे ही कोहरा पड़ता है तुलसी में, तुलसी प्रॉपर ख़राब हो जाती है, ठीक, इसलिए मैं इसको डाल रहा हूँ, इसको निकाल दे रहा हूँ मैं। देखिए अब इसको निकाल दिए, इससे आपको पौधा ख़राब नहीं होगा। नहीं, सर्दियों में आप तुलसी का पौधा ख़राब हो ही जाता है, आप कितना भी प्रयत्न कर लें ख़राब हो जाए। देखिए कितना प्यारा पौधा, इस तरीके से ये देख रहे हैं, पूरे तरीके से आपको निकाल देनी है, इसके फूल पूरे तरीके से निकाल देने हैं आपको। देखिए जैसे इसको निकाल दिया, ऐसे मैंने पूरे का निकाल रखे हैं फूल। इसकी मिट्टी देखिए कितनी मुलायम कर रखी है मैंने, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितनी मुलायम मिट्टी है इसकी। अब इसमें मैं यूज़ क्या करता हूँ, इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, और ये मैं ये लीफ कंपोस्ट है मेरे पास, ठीक है, जो मैंने घर पे ही बनाई थी लीफ कंपोस्ट।
लीफ कंपोस्ट में इसमें डालता हूँ, परमानेंट डालता हूँ लीफ कंपोस्ट, ये अच्छी रहती है पौधों के लिए। तुलसी का पौधा है तो उसमें गोबर वगैरह खाद ज़्यादा नहीं डाल सकते इसमें, मानते हैं लोग बाग नहीं, बाकी मैं तो डाल भी देता हूँ कभी कभी, बट ये लीफ कंपोस्ट जो मैंने अभी डाली है, देखिए मिट्टी ज़रूर ध्यान दीजिए, मिट्टी देखिए कितनी प्यारी बना रखी है मैंने इसको, ये देखिए कितना प्यारा पौधा, ये मेरा लता मालती है ये।